क्या हुआ जब महादेव ने बनाया विष्णु जी को एक घोड़ा। नमस्कार दोस्तों, महादेव दर्शन आप सभी देख रहे हैं, जहां हम आपको साक्षात महादेव से जुड़ी हुई कथाएं और साथ ही किस्से, कहानियां, प्रसंग सुनाते हैं। चलिए आज जानते हैं कि महादेव को क्यों विष्णु जी को घोड़ा बनाना पड़ा। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। उसी समय ऊंचे श्रवा नामक अश्व पर सवार होकर रेमवंत का आगमन हुआ। ऊंचे श्रवा अश्व सभी लक्षणों से युक्त देखने में अत्यंत सुंदर था। उसकी सुंदरता की तुलना किसी अन्य अश्व से नहीं की जा सकती थी। लक्ष्मी जी को उस अश्व के सौंदर्य को एकटक देखती ही रही। ये देखकर भगवान विष्णु द्वारा बार बार झंझोड़ने पर भी लक्ष्मी जी एकटक अश्व को ही देखती रही। तब इसे अपनी अवहेलना समझकर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और झिझक कर लक्ष्मी को श्राप देते हुए कहा कि तुम इस अश्व के सौंदर्य में इतनी खो जाओगी कि मेरे द्वारा बार बार झंझोड़ने पर भी तुम्हारा ध्यान इससे ही लगा रहा, अंततः तुम अश्वी यानी कि घोड़ी हो जाओगी। तब लक्ष्मी का ध्यान भंग हुआ और श्राप का पता चलते ही वो क्षमा याचना करने लगी। समर्पित भाव से विष्णु भगवान की वंदना करने लगी। मैं आपके योग में एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी, आप मुझ पर कृपया कर अपना श्राप वापस ले लें। तब विष्णु जी ने अपने श्राप में सुधार करते हुए कहा कि श्राप तो पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे अश्व रूप में पुत्र प्रसव के बाद तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिलेगी, अंततः पुनः मेरे पास वापस लौटोगी। भगवान विष्णु के श्राप से अश्विन बनी हुई लक्ष्मी यमुना और तमसा नदी के संगम पर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। लक्ष्मी जी के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव पार्वती के साथ आए। उन्होंने लक्ष्मी जी से तप का कारण पूछा। तब लक्ष्मी ने अश्व हो जाने से संबंधित सारा वृतांत उन्हें सुना दिया और अपने उद्धार की उनसे प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें धीरज बांधते हुए मनोकामना पूर्ति का वरदान दिया। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कैलाश पहुंचकर भगवान शिव विचार करने लगे कि विष्णु जी को कैसे अश्व बनाकर लक्ष्मी जी के सामने पेश किया जाए। अंत में उन्होंने अपने एक गण चित्र रूप को दूत बनाकर विष्णु के पास भेजा। चित्र रूप भगवान विष्णु के लोक में पहुंचे। भगवान शिव का दूत आया है, ये जानकर भगवान विष्णु ने दूत से सारा समाचार कहने को कहा। दूत ने भगवान शिव की सारी बातें उन्हें कह दी। अंत में भगवान विष्णु शिव का प्रस्ताव मानकर अश्व बनने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अश्व का रूप धारण किया और पहुंच गए यमुना और तपसा के संगम पर, जहां लक्ष्मी जी अश्वी का रूप धारण कर तपस्या कर रही थी। भगवान विष्णु को अश्व रूप में आया देखकर लक्ष्मी जी काफी प्रसन्न हुई। दोनों एक साथ विचरण और रमण करने लगे। कुछ समय पश्चात अश्वी रूप द्वारा धारी लक्ष्मी जी गर्भवती हो गई। अश्वी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। तत्पश्चात लक्ष्मी वैकुंठ लोक श्रीहरि के पास वापस पहुंच गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये प्रसंग कैसा लगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।